हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है ये अपराजिता का प्लांट है, पर ये बहुत ही शुभ प्लांट है। इसे नीलकंठ भी बोलते हैं और अपराजिता भी बोलते हैं। इसके तीन या चार कलर के आते हैं, एक वाइट, ब्लू, पिंक, डबल पेटल, सिंगल पेटल, इसके बहुत सारे कलर पाए जाते हैं और बहुत ही शुभ प्लांट है। ये फूल शिव जी को बहुत ही प्रिय है। तो ये डबल पेटल है, अपराजिता का प्लांट है और आप देख सकते हो यहाँ से मैंने पिंचिंग किए हैं तो यहाँ पे और दो ब्रांच आए हैं और हमारे प्लांट बहुत घने हो चुके हैं। बहुत छोटी सी है, इसे मैंने बीज से ग्रो किया है और बीज से ग्रो करना बहुत ही आसान है। इस पौधे को 4 घंटे धूप लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फूल आते हैं। अभी भी आपके पास समय है, बीज ग्रो करें और पौधे लगाएं। आप देख सकते हो इसके अगर फूल को ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसे फलियां बनते हैं, आप जैसे देख रहे हैं। और ये सूख जाने के बाद ये इसके बीज कहीं फट जाते हैं और फिर गिर जाते हैं कहीं भी, तो खुद पर खुद ग्रो हो जाते हैं। और हर नोड एरिया पे आपको कलियां भी मिलेंगे, फूल मिलेंगे, तो बरसात में इसमें बहुत सारे फूल आते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं कट कर दी ऊपर की टिप, तो यहाँ क्या होगा और भी हमारा प्लांट घना हो जाएगा। तो हम घना बनाने के लिए ऊपर की जो टिप है उसे हम कट कर देंगे तो हमारे पौधे घने हो जाते हैं और इसके फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं डबल पेटल के। और ये देखिए, यहाँ पे एक ही प्लांट है और बहुत ही घना है क्योंकि मैं इसे पिंचिंग कर करके घना बना दी। और इसके बीज इसी तरह से बनते हैं फलियाँ, जैसे सीम आप देखते हो उसी तरह से। अगर आप फूल छोड़ देंगे पौधे में तो इसके बीज बनने लगेंगे, अगर फूल तोड़ लेंगे तो बीज नहीं बनेंगे। अगर आपको बीज चाहिए तो फूल छोड़ दीजिएगा, वो बीज बन जाएंगे। और ये देखिए, मैं आपको इस पौधे को ग्रो करके दिखाऊंगी। जैसे आप देख रहे हैं ये डिस्पोजल बोतल है, प्लास्टिक वाले जो पानी बोतल आते हैं वो है, तो आप पानी बोतल को फेंके ना, नीचे छेद कर ले और मिट्टी और बालू मिलाकर मिट्टी बहुत सॉफ्ट बनाइए। और आप देख सकते हो मेरी मिट्टी बहुत सॉफ्ट है। ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो फिर हमारे बीज जो हैं गल जाएंगे तो फिर पौधे नहीं उगेंगे। और ये देखिए, इसके अंदर से बीज जो है ब्लैक कलर के निकलते हैं। और इसे लगाना बहुत ही आसान है, मिट्टी में भी आप लगा सकते हो, ज़मीन में, और आप कोई भी बोतल में ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे हैं ब्लैक कलर के। और इसे मैं अभी लगा दूंगी और दोस्तों इसे 3 से 4 घंटे की धूप में लगाइए। अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो 10 इंच के पॉट में लगाइए और हमारा प्लांट बहुत ही अच्छा चलेगा। आप मिट्टी एक हिस्सा लीजिए, एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा गोबर की खाद, और आप इस पौधे को लगा दीजिए और धूप 4 से 5 घंटे दीजिए। बरसात में भर भर कि इसमें फूल आते हैं और बरसात में इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं। दोस्तों अभी भी आपके पास समय है, ये एक लता है, वाइन है, जैसे कि ये इसको आप किसी के थ्रू चढ़ा दीजिए, सपोर्ट दीजिए तो वो चढ़ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 3 बीज है, तीनों बीज मैं ग्रो करके आपको दिखाऊंगी। पहले पानी दी मिट्टी में और उसके बाद बीज रख दी, इसके ऊपर से फिर मैं मिट्टी डाल दूँगी। बहुत ही अच्छे प्लांट है, इसके व्हाइट कलर के भी आते हैं पर मेरे पास व्हाइट नहीं है अभी, और पिंक भी आते हैं, डबल पेटल सिंगल पेटल इसके होते हैं। और अभी बहुत ही आसानी से हर जगह ग्रो हो जा रहे हैं। मेरे यहाँ पे गार्डन में बहुत सारे पौधे छोटे छोटे ग्रो हो चुके हैं, तो मैं पॉट में भी लगाई हूँ इसे और यहाँ पर मैं आप सबको ग्रो करके दिखा रही हूँ। और इसे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप स्टिक लगा दें सूखे हुए डंडे या फिर रेड उड और उसको चढ़ने के लिए सपोर्ट दीजिए, वो बहुत ही अच्छी तरह से फूल भी भर भर के देंगे। और देखिए, ऊपर से मिट्टी डाल देने के बाद पानी दे देना है और इसको धूप में रखे जैसे आधा एक घंटे की धूप लगे, और ये बीज देखिएगा ग्रो भी हो जाएंगे। मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में। और ड्रेनेज होल बनाना ना भूले अगर आप लगाएंगे तो। और इसके फ्लावर आप देखिए, गुच्छे में फूल होते हैं, जैसे इसके पेटल 6 या 5 पेटल है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। दोस्तों मेरे पास व्हाइट नहीं है, अगर नर्सरी जाऊंगी तो अगर व्हाइट कलर के मेरे मुझे मिलते हैं तो मैं ज़रूर लेकर आऊंगी, क्योंकि व्हाइट वाले भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और पिंक भी यहाँ पे है एक दीदी के घर पे, पर अभी बीज बने नहीं हैं, नहीं तो फिर बीज अगर होते तो मैं उनसे बीज ले लेती, पिंक कलर के उनके पास डबल पेटल वाले हैं,
बहुत ही प्यारे लगते हैं दोस्तों। इसके फ्लावर आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, बहुत ही शुभ प्लांट है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।